नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा में सभी का स्वागत। आज अपन कक्षा 9th विषय हिंदी क्षितिज पद्यखंड का पाठ क्रमांक 13 सुमित्रा नंदन पंत का द्वारा रचित ग्राम श्री पाठ का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले कवि परिचय देखिए। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले के कोसानी गांव में सन 1900 में हुआ। उनकी शिक्षा बनारस और इलाहाबाद में हुई। आज़ादी के आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के आह्वान पर उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। छायावादी कविता के प्रमुख स्तंभ रहे। सुमित्रानंदन पंत का काव्य क्षितिज 1916 से 1977 तक फैला है। सन 1977 में उनका निधन हो गया। वे अपनी जीवन दृष्टि के विभिन्न चरणों में छायावाद, प्रगतिवाद एवं अरविंद दर्शन से प्रभावित हुए। वीणा, ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्य, पल्लव, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूली, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदंबरा आदि उनके प्रमुख कृतियां हैं। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार एवं सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पंत की कविता में प्रकृति और मनुष्य के अंतरंग संबंधों की पहचान है। उन्होंने आधुनिक हिंदी कविता को एक नवीन अभिव्यंजना पद्धति एवं काव्य भाषा से समर्थ किया है। भावों की अभिव्यक्ति के लिए सटीक शब्दों के चयन के कारण उन्हें शब्द शिल्पी कवि भी कहा जाता है। सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित ग्राम श्री कविता ग्रामीण परिवेश के से ओतप्रोत है। ग्राम श्री कविता में पंत ने गांव की प्राकृतिक सुषमा और स्मृति का मनोहरी वर्णन किया है। खेतों में दूर तक फैली लहलाती फसलें, फल फूलों से लदे पेड़ पौधे और गंगा की सुंदर रेती कवि को रोमांचित करती है। उसी रोमांच की अभिव्यक्ति इस कविता के अंतर्गत हम पढ़ेंगे तथा कवि के मन में जो भावनाएं उपज रही है उनको उनका अनुभव करेंगे और देखेंगे। ग्राम श्री कविता की भाषा सरल है तथा प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। इसमें कवि अपनी धरती पर हरियाली को देखकर मन में अनुभव कर रहा है तथा पेड़ पौधों को अलग अलग उपमाएं देने का प्रयास कर रहा है। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली तिनकों के हरे हरे तन पर हील हरित रुधिर है रहा झलक श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। इस पद में कवि ने प्रकृति का मानवीकरण करते हुए कहा है कि जो हरियाली है खेतों में दूर दूर तक फैली हुई है और वो हरियाली इतनी कोमल है जैसे मखमल हो और जैसे ही सूर्य की किरणें उस पर पड़ती है तो उनका रंग और ही मनोरम सुंदर हो जाता है। लिपटी जिसमें रवि की किरणें, रवि का मतलब होता है सूर्य, चांदी की सी उजली जाली, जैसे ही सूर्य की किरणें हरियाली पर पड़ती है तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई चांदी की जाली हो। तिनकों के हरे हरे तन पर जो घास फूस है पेड़ पौधे हैं उनके जो तिनके हैं हरे रंग के हैं और ऐसे लग रहा है जैसे उनका शरीर हरा है। हील हरित रुधिर राह झलक उनके हृदय से मानो रुधिर अर्थात खून टपक रहा है, हरे रंग का खून बह रहा है। श्यामल भूतल पर झुका हुआ और
धरती पर आकाश झुका हुआ है, नभ का चिर निर्मल नील फलक, नीला आकाश धरती पर झुका हुआ है, अर्थात और ज़्यादा शोभायमान लग रहा है। उससे आगे देखिए, रोमांचित सी लगती वसुधा, आई जो गेहूं में बाली, और हर सनई की सोने की किंकणियां है शोभाशाली, उड़ती भिनी तेलक्त गंध, फूलों सरसों पीली पीली, लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। इसमें कवि ने धरती का मनोरम सुंदर वर्णन किया है। वो कह रहे हैं कि अब जो वसुधा है, धरती है, उसमें भी रोमांच जागृत हो गया है। रोमांचित सी लगती वसुधा, ऐसे लग रहा है जैसे धरती भी रोम रोम में धरती के उत्साह और आनंद भर गया है। जैसे ही गेहूं में बाली आ गई, अर्थात गेहूं के फलियां लग गई, अरहर सनई की सोने की, और जो अरहर का पौधा है उन पर भी सोने जैसी फलियां प्रतीत हो रही है, किंकणियां हैं शोभा वाली, और जैसे ही वो हवा के साथ झूमती है तो उनकी ध्वनि घुंघरों के समान प्रतीत होती है, उड़ती भीनी तेलाक्त गंध, और जो खेतों में सरसों बोई हुई है तो सरसों पकने के फूल खिलने के बाद खेतों में चारों ओर से भीनी भीनी तेल युक्त गंध आ रही है, उड़ती भीनी तेलाक्त गंध, फूली सरसों पीली पीली, सरसों के जैसे ही पीले रंग के फूल खिल गए, अर्थात फलियां आ गई, उससे ऐसा प्रतीत होता है जैसे पूरे खेत में, अर्थात पूरी वसुधा पर तेलाक्त गंध आ रही है, खुशबू आ रही है, लो हरित धरा से झांक रही, लो धरती भी अब देख रही है नीलम की कली तीसी नीली, जो नीलम ऐसे लग रहा है जैसे नीलम रूपी रतन से जड़ी हुई प्रतीत हो रही है। रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी, मखमली पेटियों सी लटकी छिमियां छिपाए बीज लड़ी, फिरती है रंग रंग की तितली रंग रंग के फूलों पर सुंदर, फूले फिरते हैं फूल स्वयं उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। इस पद में कवि कह रहे हैं कि रंग बिरंगे फूल खिल गए हैं, आपस में वो रिल मिल रहे हैं, अर्थात हिल हिल कर एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, वहीं पास में ही मटर के पौधे के फलियां लग गई है, ऐसे लग रहा है जैसे वो भी हंस रहा है, हंस रही सखियां मटर खड़ी, जो मटर की फलियां हैं वो सखी के समान लड़ियों में कतार में खड़ी है, मखमली पेटियां सी लटकी, और जैसे ही मटर की फली में मटर के दाने आ गए तो ऐसे लग रहा है जैसे मखमल से भरी हुई पोटलियां लटक रही है, छिमियां छिपाए बीज लड़ी, और में उनमें जो दाने पड़े हैं, बीज पड़े हैं, वो लड़ी के समान प्रतीत हो रहे हैं, फिरती है रंग रंग की तितली, उन फूल फलों पर रंग बिरंगी तितलियां घूम रही है, पराग कण का सेवन कर रही है, रंग रंग के फूलों पर सुंदर और रंग बिरंगे फूलों पर वो घूम रही है, अर्थात उड़ती हुई फिर रही है, फूले फिरते फूल स्वयं, और जो फूल है वो भी अपने आप पर बहुत ज़्यादा गर्व कर रहे हैं, उड़ 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 व्रंतों से व्रंतों पर, और जो भंवरे हैं वो एक जगह से दूसरी जगह उड़ उड़ कर घूम रहे हैं, अर्थात पुष्प क्या परागकण चूस रहे हैं।